आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। देश में काले धन को मिटाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया था, लेकिन काला धन समाप्त होना तो दूर, उल्टे देश की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। 70 साल सबसे खराब दौर से गुजर रही है अर्थव्यवस्था इस दौरान, ये राजीव कुमार ने कहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने, कि 70 साल में सबसे खराब दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है। नोटबंदी और GST के बाद ये तमाम असर देखने को मिल रहे हैं। आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। थोड़ी देर पहले जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल केसेस 1,51,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 6,387 नए केस भी सामने आए, जबकि एक दिन में 170 लोगों की मौत हुई है। 2 months ago, the Prime Minister said that we were going to fight a 21-day war against COVID. It was his expectation that we would defeat the COVID virus in 21 days. Now we are on 60 days and we are the only country in the world where the virus is exponentially rising and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है, कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मुसलमी है, स्वार्थी है। हमारा आदमी मर गल उनका लेके, हमारा के कोई सुविधा का नहीं देता। डूब मरो, डूब मरो, मेरे देश की सरकार चलाने वालों डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए।